Hello learners, now we will discuss about FEMA Act. FEMA stand for Foreign Exchange Management Act. So मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि FEMA से पहले FERA Act था इंडिया में एप्लीकेबल. 1974 में FERA जो था वो एग्जिस्टेंस में आ गया था और 1999 में FERA को जो था वो स्क्रैप कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और उसको रिप्लेस किया FEMA ने. तो अब इंडिया में FEMA Act, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल है. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ FEMA Act. FEMA Act क्या था? सो द RBI proposed FEMA इन 1999 टू एडमिनिस्टर फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस. सो जितनी भी इंडिया में फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस होती थी, FEMA उसको रेगुलेट करता था, एडमिनिस्टर करता था, कंट्रोल करता था. द FEMA ऑफिशियली केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 June 2000, extend to whole of India and applies to all branches, offices and agencies outside India, owned and controlled by person resident in India. तो जो FEMA Act था वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ 2000 में, और जितने भी ब्रांचेज ऑफिसेज इंडिया से बाहर थे और जिनको कोई इंडियन रेजिडेंट ओन कर रहा था या कंट्रोल कर रहा था, ये FEMA Act उन पर भी एप्लीकेबल होता है. सो इस सेशन में हम पढ़ेंगे FEMA के ऑब्जेक्टिव क्या है, FEMA के प्रोविजन क्या है, हम डिफरेंस भी देखेंगे FEMA और FERA में क्या डिफरेंस है, और फिर कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FEMA के. FEMA के ऑब्जेक्टिव क्या है? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, एंड नेक्स्ट इज टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो FEMA के ऑब्जेक्टिव है कि जो जितना भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, जितना भी एक्सटर्नल ट्रेड है, उसको फैसिलिटेट करना, उसको इंक्रीज करना और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको डेवलप करना. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ FEMA. और अब हम देखेंगे कि FEMA के प्रोविजंस क्या है, FEMA की रेगुलेशंस क्या है. सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा. सो फॉरेन एक्सचेंज को लेके, जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स है उनको लेके क्या प्रोविजंस है FEMA के अंडर. सेक्शन 3 ऑफ FEMA इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी एंड पेमेंट्स टू एंड रिसीट्स फ्रॉम एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया. सो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग्स होती है, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, फॉरेन सिक्योरिटीज हो गई, फॉरेन पेमेंट कोई आपने रिसीव की है या पेमेंट करी है बाहर करी है, दे कम अंडर FEMA एक्ट. देन अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द एक्ट और विद द जर्नल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक, नो पर्सन शैल ए इज डील इन एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी विद एनी पर्सन अदर देन अथोराइज्ड पर्सन. अगर रिजर्व बैंक की जर्नल या स्पेशल परमिशन नहीं है तो कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में विदाउट अथोराइज्ड पर्सन के डीलिंग नहीं कर सकता. ऑथराइज्ड पर्सन क्या होते हैं ये हमने अपने पिछले सेशन में देखा था कि ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं. तो FEMA में है कि आप फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में बिना ऑथराइज्ड पर्सन के डीलिंग्स नहीं कर सकते. बी इज मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर. तो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसको भी कोई पेमेंट या कोई उसको उससे कुछ लेना है, पेमेंट लेनी है, तो वो भी हम जो है वो भी FEMA के अंडर ही रेगुलेट होती है. एंड रिसीव अदरवाइज थ्रू एन ऑथोराइज्ड पर्सन एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन एनी मैनर. सो दीज आर द प्रोविजन फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा. नाउ अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, दिस सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट नो पर्सन रेजिडेंट इंडिया शेल एक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट बाहर से कोई फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, पोजेस नहीं कर सकता या ट्रांसफर नहीं करता कर सकता. बट इन टर्म्स सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज फ्री टू होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया
if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हमने पढ़ा कि कोई भी पर्सन बाहर का कुछ भी जो है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो बाहर से कुछ भी बाहर की कोई भी सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज या इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन पोजेस या ट्रांसफ़र नहीं करता कर सकता. बट सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में ये प्रोविजन है कि अगर वो प्रॉपर्टी या वो करेंसी या वो सिक्योरिटी जब वो बाहर रहता था तब उसने एक्वायर करी थी या ओन करी थी या उसको इनहेरिटेड मिली है तो उस केस में ये प्रोविजन जो है ये रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते. नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. सो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अब क्या है, हमने मैंने आपको लास्ट अपने सेशन में भी बताया था कि जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स होती है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो है ऑल द अंडर फेमा एक्ट ऑल द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर परमिटेड. उसके लिए आपको किसी तरह की कोई परमिशन नहीं चाहिए एक्सेप्ट विच आर प्रोहिबिटेड बाय RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल प्रोविजन चाहिए. उसके अलावा बाकी सारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो परमिजेबल है. सो जैसे प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स कौन सी ट्रांजेक्शन्स होगी, जैसे ड्रग्स में कोई डीलिंग है या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में डीलिंग है या लॉटरी से आपने कुछ आपको मनी रिसीव हुई है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो है वो RBI प्रोहिबिट करता है. और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनको करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है उनके अलावा बाकी सारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो है वो परमिजेबल है. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. सो कैपिटल अब करंट अकाउंट से के ऑपोजिट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट जिनके लिए स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने परमिशन दे रखी है. बाकी सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो अंडर फेमा एक्ट उस पर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है, रिस्ट्रिक्टेड है. कैपिटल अकाउंट ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि जिससे कि बैलेंस शीट में चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट इज सो फंडामेंटल रूल इज दैट कि ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दैट आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड और स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय फेमा एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली परमिटेड इट इज प्रोहिबिटेड बाय फेमा. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रावेंशंस एंड पेनल्टीज. अगर कोई फेमा एक्ट को ब्रीच करता है तो उस पर पेनल्टी का क्या प्रोविजन है. सो द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट is liable to a penalty up to thrice the amount involved where it is quantifiable or up to rupees 2 lakh where it is not quantifiable. And further, when the contravention is continuing one, the penalty may extend to 5,000 rupees for every day after the first day during which the contravention continues. So next is administration of the act. Now question is ki ye jo act hai isko administer kaun karta hai, isko control kaun karta hai. तो इसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द फेमा हैज़ असाइंड एन इंपॉर्टेंट रोल टू द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट. द रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स पर्टेनिंग टू सेवरल सेक्शन ऑफ द एक्ट आर टू बी लेड डाउन बाय द RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो जितने भी रूल्स होते हैं उनको RBI जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनेक्ट करता है एंड RBI इंश्योर करता है उनका इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे फेरा और फेमा में डिफरेंस. फेरा और फेमा ये जो दोनों एक्ट है फेरा एक्ट एंड फेमा एक्ट इनमें क्या डिफरेंस था. सो फर्स्ट इज मीनिंग्स. सो द फेरा वाज इम्प्लीमेंटेड टू रेगुलेट फॉरेन पेमेंट्स एंड टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया वेयर एज फेमा एम्स टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड फॉरेन पेमेंट एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द कंट्री. सो फेरा का जहाँ ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी फॉरेन डीलिंग्स है उनको रेगुलेट करना उनको कंट्रोल करना, वेयर एज फेमा में था कि जो भी फॉरेन डीलिंग्स हो रही है उनको उनको मैनेज करना. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था फेरा और फेमा में. फेरा जहाँ सब कुछ रेगुलेट करती थी कंट्रोल करती थी, फेमा वहाँ पे सब कुछ मैनेज करती थी. उसका पर्पस था कि किसी तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया में इंक्रीज किया जाए. नेक्स्ट इज इनैक्टमेंट. इट इज़ एन ओल्ड इनैक्टमेंट
and was approved by Parliament in the year 1973. FARA Act 1973 में Parliament में approve हुआ था और finally 1974 से ये पूरे India में applicable हो गया था. FEMA जो था वो it's a new enactment और 1999 में ये Parliament से approve हुआ और अब is currently in force. और जून 2000 से ये अब तक इंडिया में एप्लीकेबल है. नंबर ऑफ सेक्शंस, FARA के 81 सेक्शंस थे, वेयर एज FEMA में 49 सेक्शन है और उनको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. सो नेक्स्ट इज व्हेन दिस वाज इंट्रोड्यूस. सो FARA को उस समय इंट्रोड्यूस किया गया जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया में बहुत कम थे. सो बेसिक पर्पस ही FARA को इंट्रोड्यूस करने का यही था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करके रखा जाए, इसको कंजर्व करके रखा जाए. वेयर एज जो FEMA में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर एडिक्वेट बट रिक्वायर्ड रेगुलेशन एंड बैलेंस. FEMA जो है वो 1999 में एग्जिस्टेंस में आई. 1991 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया गया था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया में बढ़ रहे थे और FEMA का पर्पस ये था कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उनको अच्छे से मैनेज किया जाए. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. तो FARA का ऑब्जेक्टिव था टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज और FEMA का ऑब्जेक्टिव था टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज. वायलेशन वायलेशन FARA जो था FARA के अंडर अगर FARA एक्ट को कोई वायलेट करता था तो वो क्रिमिनल ऑफेंस था. वायलेशन करने वाला जो था वो क्रिमिनल ऑफेंडर माना जाता था एंड उसके अंडर डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था. मींस नो पेनल्टी नो फाइन डायरेक्ट जेल. बट FEMA के अंडर FEMA जो है उसको वायलेशन में सिविल ऑफेंस माना गया है एंड उसमें एंड इज सब्जेक्ट टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट एंड इफ अगर फाइन नहीं पे किया जाता तो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है FEMA में. देन है बेसिस फॉर डिटर्मिंग रेजिडेंशियल स्टेटस. सो जो FARA में जो है सिटीजनशिप इज़ ए बेस फॉर डिटर्मिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन एंड वेयर एज जो FEMA में उन्हीं को रेजिडेंट माना गया है जो लास्ट 6 मंथ्स या 182 डेज जो है वो इंडिया में रहे हो, तो उनको रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन FARA एंड FEMA और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव और MCQs क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन. और जितने भी MCQs हैं मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि आप उस MCQs को सॉल्व करके उसके जो आंसर्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में डालेंगे. सो टिल द नेक्स्ट सेशन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.